नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभा प्रदीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। रिलीज होने से पहले ही फिल्म काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही थी। हालांकि बॉयकॉट के चलते फिल्म और आमिर खान के समर्थन में कई सारी हस्तियां भी खड़ी हुई थी। अब हाल ही में अनुपम खेर ने लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट ट्रेंड पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। इंडिया टुडे के साथ बातचीत में अनुपम खेर ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि उन्हें ट्रेंड शुरू करना चाहिए तो वो ऐसा करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। ट्विटर पर हर दिन नया ट्रेंड आ रहा है। आपके अतीत में दिए हुए बयान आपको आने वाले समय में जरूर परेशान करेंगे। वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि धनुष से निकला तीर और मुंह से निकला शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। आपको बता दें कि साल 2015 में आमिर खान ने कहा था कि वो देश में होने वाली घटनाओं से काफी परेशान हैं और उनकी पत्नी किरण राव ने यहां तक की सुझाव दिया कि उन्हें देश छोड़कर जाना चाहिए। इस पर अनुपम खेर ने उस वक्त तर्ज कसते हुए कहा था कि क्या आपने किरण राव से ये पूछा कि किस देश में जाना चाहती हैं? क्या आपने उन्हें बताया कि इस देश ने आपको आमिर खान बनाया है? कॉमेडी किंग कहे जाने वाले गजोदर भैया और राजेश श्रीवास्तव पिछले काफी समय से सुर्खियों में हैं। बीते दिनों दिल का दौरा पड़ने के बाद से ही उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। आए दिन डॉक्टर्स की ओर से और उनके परिवार और करीबियों की तरफ से उनकी हेल्थ अपडेट्स सामने आती रही हैं। अब उनकी हेल्थ को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। शेखर सुमन ने ट्वीट करके कॉमेडियन की सेहत के बारे में जानकारी दी है। शेखर सुमन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजेश श्रीवास्तव के स्वास्थ्य का लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो लगभग क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आ चुके हैं और कल से काफी बेहतर हैं। बेस्ट डॉक्टर्स न्यूरोसर्जन उन्हें देख रहे हैं। पहले के मुताबिक चीजें बेहतर लग रही हैं। राजू अपने खुद के विल पर इससे फाइट करेंगे। उनके अंग सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। हालांकि वो अभी भी बेहोश हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आ रहा है। हम सभी की प्रार्थनाएं भगवान ने सुन ली है। हर हर महादेव। ये उनका ट्वीट था। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि जो आदमी पूरी दुनिया को हंसाता है वो इतना सीरियस नहीं रह सकता। वो लड़ने वाले आदमी है, वो फाइटर है और वो बहुत जल्दी हम सबके बीच में लौट आएंगे। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर नेहा कक्कड़ सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली सेलेब्स में से एक है। रियलिटी शो में अक्सर नेहा कक्कड़ को इमोशनल होते हुए देखा जाता है, जिस वजह से उन्हें क्राई बेबी भी कहा जाता है और इसी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब दिया है। नेहा ने कहा कि मैं ऐसे लोगों को दोष नहीं दे सकती क्योंकि वो बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होते हैं। उन्हें मैं नकली ही दिखूंगी, लेकिन जो लोग मेरे जैसे इमोशनल हैं वो मुझे समझेंगे और मुझसे रिलेट कर पाएंगे। आज हम ऐसे लोगों को नहीं देख पाते हैं जो दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं और उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। मुझमें ऐसे गुण हैं और मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।